वेलकम बैक। आज आपके साथ एक बेहतरीन सा हेयर ऑयल शेयर कर रही हूँ। ये आपकी हेयर को, आप इसको टॉनिक भी कह सकते हैं, जो आपके स्कैल्प की जो स्किन है उसको हेल्दी बनाएगा और साथ ही जितनी भी हेयर की प्रॉब्लम है हेयर से रिलेटेड, वो उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यानी कि हेयर फॉल हो, हेयर ब्रेकेजेस हो या फिर हेयर बेलनेस हो, पैचेस बन चुके हैं और वहाँ बाल नहीं आ रहे हैं, हेयर ग्रोथ रुक गई है, बाल बहुत थिन है या फिर प्रीमेच्योरिंग ग्रे हेयर है, हेयर में शाइन नहीं है, उलझे हुए के सूखे बेजान बाल हो चुके हैं, तो अगर आप इन सारी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये हेयर ऑयल बना के ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बहुत ही कम और लिमिटेड इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ और जो भी चीज़ें मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ इंशाल्लाह वो आपको आपके घर में मिल जाएंगी। जो स्टार्टिंग का पार्ट था जिसमें मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताए हैं और कौन सी चीज़ कितनी कितनी लेनी है, वो वाला जो पार्ट है मैं पूरा शूट कर चुकी थी बट वो मेरे पास सेव नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। मैं ये चीज़ें कब कब और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से ऐड कर रही हूँ, आगे मैं आपको जो मेरी जो मैंने स्टार्ट कर दिया था प्रोसेस इसका, वो वीडियो शूट हो चुकी है तो वो मैं साथ डायरेक्टली शेयर करिए और बीच बीच में आपको बताती जाऊंगी कौन कौन सी चीज मैंने कितने कितने यूज की और कौन सी चीज अगर आपके पास ना हो तो आप उसको स्किप कर दें। एनीवे, तो यहाँ हमने सबसे पहले ले लिया है आमला ऑयल। आमला ऑयल मैंने यहाँ ब्रांड का लिया है, यानी कि डाबर वाबर का, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, सादा आपको पंसार शॉप से मिल सकता है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है 100 ml आमला ऑयल, तो इसमें मैंने डाला है 100 ml सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए जो 100 ml की आमला ऑयल की जो बॉटल मेरे पास थी उसको मैंने पहले बाउल में ऐड किया, देन मैंने इसमें ऐड किया सरसों ऑयल। उसके बाद इसको हीट पे रख दिया और हीट मैंने बहुत स्लो रखी है कि इसमें से ऑयल हमारा वेपोरेट ना हो। फिर मैंने इसमें एक मीडियम साइज की जो अनियन है वो कट करके इसमें ऐड की है और इसके साथ ही मैंने यहाँ ले ली है 15-20 cloves यानी दो ऑयल और ये दो हर्ब्स मैंने इसमें ऐड किए और इनको मैंने स्लो आंच पर पकाने के लिए छोड़ दिया है। आंच मैंने रखी है, बहुत ज्यादा हमें नहीं रखनी कि हमारा ऑयल वेपोरेट हो, हमें जस्ट इसको पकाना है यानी कि जो इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं इनके वो हमारा ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, हमें इतना इसको हीट पे रखना है। तो मैंने तकरीबन 45-50 minutes ऑलमोस्ट मुझे हुए थे इस प्रोसेस को करते हुए, इन दोनों ऑयल्स को इन चीज़ों के साथ पकाते हुए, और एंड में जल्दी से चूल्हे को की जो आँच है जो तो मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी थी जिसकी वजह से जो मेरी प्याज है थोड़ी सी डार्कर शेड में चली गई यानी कि डार्क ब्राउन हो गई। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी और ये आप यहाँ देख सकते हैं जो इसकी जो कलर है या फिर जो कंडीशन है ना अनियन की, ऐसी नहीं होनी चाहिए आपकी, ऐसी हो लेकिन बिल्कुल जले ना, जलने वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बस लाइट सी आपको लगे कि जब इसका जो अनियन का जो पानी है इसके अंदर मॉइस्चर है वो रुक चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो आपने चूल्हे को बंद कर देना है। अच्छा, अब मैंने यहाँ चूल्हे का बंद कर दिया है, करने के बाद मैं इसको इसकी लेट लगा दूंगी और इसको ठंडा होने रख दूंगी। रात भर इसको ऐसे ही छोड़ने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, सारी चीज़ें इसमें इन्फ्यूज नहीं थी। अब हम इसे एक स्ट्रेनर के थ्रू स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया था, कोई भी बाउल आप ले सकते हैं, आपको जिसमें ऑयल रखना है आप डायरेक्ट वो कंटेनर ले सकते हैं, और क्योंकि हमें अभी इसमें आगे दो चीज़ें बस और ऐड करनी है और बहुत ही इजी चीज़ है तो इसलिए मैंने इसको एक बाउल में लिया है। यहाँ मैं स्ट्रेनर का यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने छान लिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरा ऑयल मैंने अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लिया और मुझे यहाँ अब आप कलर चेक कर सकते हैं, मैंने मस्टर्ड ऑयल और आमला ऑयल दोनों इसको मिक्स करके बनाया है ये ऑयल, लेकिन कलर इसका अभी भी ग्रीनिश ही है और एंड में भी इसका कलर ग्रीनिश ही रहेगा और चीज़ें ऐड करने के बाद। अब इसके अंदर हम ऑयल को ठंडा होने के बाद, ये हमारे पास विटामिन ई के कैप्सूल्स, अगर आपके पास यूएम के हैं, यहाँ मैं 600 mg यूज़ कर रही हूँ, आपने 600 mg के ही 5 capsules लेने हैं, अगर इससे कम mg है तो आप इसको क्रिएट कर लेंगे और जितने भी mg आपके पास है उसको 600 को 5 times करके इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप ऑयल ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा बना के भी रख सकते हैं, यानी कि 200 ले सकते हैं दोनों ऑयल्स। यहाँ मैंने 100 लिए, यानी कि टोटल मेरे पास 200 ml ये हो चुका है और इसमें मैं 5 capsules डाल रही हूँ 600 mg के विटामिन ई के। आपके पास दूसरे कोई विटामिन ई के कैप्सूल्स हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, खुला ऑयल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ये 5 capsules इसमें ऐड करने के बाद ऑलमोस्ट हमारा ऑयल रेडी हो चुका है, आप चाहें तो ये ऑयल रेडी करके अपने पास सेव कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ जो चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी वो उनके लिए जिनकी हेयर ग्रोथ रुक चुकी है और जिनके हेयर वक्त से पहले व्हाइट हो रहे हैं यानी कि प्रीमेच्योरिंग ग्रे हेयर है, तो यहाँ मैं ये ले रही हूँ ब्लैक ब्लैक चीज़। अब ये क्या है, ये है हमारे पास जो नारियल के
ब्राउन जो बाल होते हैं ना, ब्राउन नारियल का जो ऊपर का पार्ट होता है, उसका जो शेल होता है, उसके ऊपर जो बाल होते हैं उसको मैंने पहले जलाया है। वो मैं किसी भी नारियल वाले से आपको इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको दे देगा, ये आप ले लीजिएगा। या फिर अगर लेता है 10-20 रुपए के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ये आपने इसको तवे पे रखना है, तवे पे रखना है आपको इतनी देर रखनी है कि ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। जलने के बाद ये बहुत ब्लैक हो जाएगा एकदम, और उसको आप जब हाथ से करेंगे, दबाएंगे, रब करेंगे तो ये पाउडरी फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना के बता दूंगी कि इसको आपने कैसे बनाना है। और ये चीज़ आपकी इतनी ज़बरदस्त है, आपके प्रीमैच्योरिंग ग्रे को रोकेगा, आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ाएगा, आपके हेयर में शाइन लाएगा, ब्लैक करेगा, साथ ही ये आपकी जो है हेयर पे जो यानी कि मार्केट में आप देखते हैं ना जो फाइबर मिलता है, हेयर फाइबर बालों को थिक करने की इंस्टेंटली, ये उसमें भी यूज़ होता है, इसी चीज़ से फाइबर भी बनता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हों और आप चाहें कि मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर करूं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कंप्लीट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी इसकी भी, कि इसका पाउडर किस तरह से बनाना है और इसका फाइबर किस तरह से हम बना सकते हैं 2-3 चीज़ें ऐड करने के बाद। तो यहाँ मैंने 2 बड़े स्पून के बराबर ये ब्लैक हमारे पास जो पाउडर था नारियल के बालों का, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो लोग इसको ऐड करना नहीं चाहते वो टोटली इसको स्किप कर दे, नो इशू। वैसे भी हमारा ऑयल बहुत अच्छा रेडी हो चुका है, लेकिन जिनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम है हेयर को लेकर, ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो वो इसको ज़रूर ऐड करिएगा। इससे आपकी डैंड्रफ भी ख़त्म होगी और आपके हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ हमारा ऑयल बनकर रेडी हो चुका है बिल्कुल, और इसको आपने वीक में 3 टाइम नहीं तो कम से कम आपको 2 टाइम तो इसको वीक में यूज करना ही करना है, अगर आप एक अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो। आपने इसको नाइट में अप्लाई करना है, अगर आप इसे रख सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको लगाने के बाद 2 घंटे अपने हेयर पे इसको रखेंगे और उसके बाद नॉर्मल हेयर को वॉश कर सकते हैं जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं। तो बहुत उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की भी ये वीडियो हर दफे की तरह आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आपको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे मेरी बिजी लाइफ में इजाजत। अल्लाह हाफिज़।